लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट की विभिन्न वर्ग के लोगों ने सराहना की है। लोगों ने इस बजट को भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट बताया और कहा कि इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे, साथ ही ये बजट आधुनिक भारत के निर्माण में मददगार साबित होगा। वहीं महिलाओं ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अंतरिम बजट किसान, गरीब, नारी शक्ति और युवा शक्ति की प्रगति का प्रतिबिंब है। महिलाओं से लेके, बच्चों से लेके, किसानों से लेके और सबसे ज़्यादा जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम शुरू की है सीतारमण जी ने, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद दूंगी। और महिला विकास सर्टिफिकेट जो एक चालू किया है, सम्मान निधि सर्टिफिकेट, जिसमें 2 लाख तक के महिलाएँ जमा कर सकती हैं पैसा और 7.5% ब्याज मिलेगा। मैं चाहूँगी कि उसमें जो 2 लाख का अमाउंट है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। फ्यूचर में आने वाले चीज़ों को लेके किया जो कि 2047 तक हम लोग देख सकते हैं, तो वहाँ तक किया है। उसमें उन्होंने सभी के लिए, लगभग सभी वर्गों के लिए किया, जैसे गरीबों लोग के लिए दिया है, कुछ 2 करोड़ घर प्राप्त देने का वादा किया है अगले 5 सालों में। पहले भी उन्होंने 3 करोड़ घर दिए हैं जैसे पिछले बजट में हुआ था। इसके साथ ही साथ रेलवे सेक्टर, जो 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर उन्होंने अनाउंस किए हैं बिल में, और साथ ही साथ एयरपोर्ट बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रही है। तो देखिए सारे ही वर्गों में उन्होंने कैसे किया है फ्यूचरिस्टिक तरीके से, जो कि मैं देखता हूँ बहुत बढ़िया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है, विकसित भारत @2047। तो उस विकसित भारत का सपना उन्होंने जो देखा है, मैं यही कहूँगी हमारा ये जो बजट पेश किया गया है, इस बजट ने समाज के हर तबके को जोड़ा है। और जो देश, हमारा भारतवर्ष कभी विकासशील देश कहलाता था, वह आगे चलकर वही देवगुरु और एक विकसित देश के रूप में जाना जाएगा। पर जो गांव की महिलाएं हैं, जो लखपति दीदी योजना है उसके हिसाब से इसमें स्व सहायता समूह को जोड़ के और जो महिलाओं की तरक्की हो सकती है, जिसमें महिलाएं अपने स्वरोजगार की मतलब अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी और जिनसे उनकी तरक्की हो सकती है, साथ में जैसे स्किल इंडिया है या हमारे भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने जो गति पकड़ी है उससे साथ में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, जो पहले के जो बजट में हुए हैं उसको ये आगे और अग्रसर भारत को और इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी मामलों में और अग्रसर कर। इसमें आशा दीदी की बात हुई है, आशा बहनों की बात हुई है, और नॉर्मल ट्रेन के डिब्बों को जो वंदे भारत में बदला जाएगा, ये सब हमारा विकास की ओर एक कदम है। और योजनाएं तो बहुत अच्छी बताई गई हैं, अब डिपेंड ये करता है कि इन योजनाओं जब ये जमीनी तल पे लागू हो तो इन्हें पूरी ईमानदारी से अगर लागू किया जाएगा तो 2047 में भारत विकसित होगा। गौरतलब है कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। इस बजट की मुख्य विशेषताओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के दरों में कोई बदलाव नहीं है।